हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को लेकर देखिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, इसी डेवलपमेंट पे हम लोग बात करेंगे। और देखो 20 सितंबर के रात के 11 बजे जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक 11 बजे है और अभी ठीक जो है हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब इस डिसीजन को देखने के अलग अलग जो है चश्मे से आप इसे देख सकते हो कि ये डिसीजन ठीक है या नहीं है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, बस संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो नई डेवलपमेंट है इस पर आपकी क्या राय है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके बारे में आप लोग नीचे जरूर बताएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मीम है जो कि सुबह से ही सर्कुलेट हो रहा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल से जेएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है। और मैं मानता हूं कि एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि होनी चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि जेएससी पीजीटी में आपको भी पता है क्या हुआ है, लैब असिस्टेंट में आपको भी पता है क्या हुआ है, जेई में क्या हुआ था आपको भी पता है। तो पिछले बार की तरह इस बार पेपर लीक ना हो, सरकार चाक चौबंद का जो है इस्तेमाल रखे, चीज़ों को ठीक ढंग से जो है कराई जाए। अब लोग भाषण ठीक नहीं है। यहां से देखो, ये खबर आपके लिए है, न्यूज 11 भारत की, ये न्यूज जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर आईडी है एक्स, वहां से ये बातें बताई गई है। देखिए क्या है, ब्रेकिंग न्यूज, जेएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर 21 और 22 सितंबर को राज्यभर में इंटरनेट बंद रहेगा। यानी कि अगर पेपर लीक हो जाता है ना तो आप कोई प्रूफ ही नहीं दिखा सकते हो। तो खैर ये बात है, दोपहर 1:30 बजे के बाद जो है इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। अब इस पे आपकी जो राय है ना, अब नीचे कमेंट करके बताना कि इसमें जो है सरकार किसी को बचाना चाहती है, धांधली होना देना चाहती है, या फिर सरकार कड़े कदम उठा करके जो है न्यूज़ सर्कुलेट ना हो, किसी तरह से पेपर लीक ना हो जाए, इसके लिए काम कर रही है। इस पे आप अपनी राय नीचे दीजिएगा। तो ये बात है। और एक और बात, सुबह 8 बजे से ही जो है इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा, तो इसे जो है जरूर ध्यान में आप रखेंगे। नीचे आपके राय का इंतजार मैं करूँगा, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।